कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे सीरियसली न लें। मूवी के पहले सीन में देख सकते हैं कि इस आदमी की आंख के नीचे चोट लगी हुई है, लेकिन अगले ही सीन में अचानक से यही चोट गायब हो जाता है। ये कैसे हो गया यार? रितेश इस आदमी को मुंह के नीचे मारते हैं और ये आदमी हवा में उड़ने लगता है। अब ये कैसे हो गया यार? अब भाई इस जगह चोट लगने से कोई आदमी उड़ तो नहीं सकता, हाँ उसका मुंह जरूर टूट सकता है। रितेश इस आदमी को धक्का देकर इस लड़की को पकड़ते हैं और जरा ध्यान से देखिए कि रितेश का हाथ कहाँ पर है। इनका हाथ सामने होता है, लेकिन अगले ही सीन में अचानक से ये अलग ही कंडीशन में आ जाते हैं। अब अचानक से पोज चेंज कैसे हो सकता है? रितेश इन दोनों आदमियों को मारते हैं और ये दोनों आदमी एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि चोट लगने पर दोनों को एक ही दिशा में गिरना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है यार? लेकिन इस सीन में तो ये दोनों लोग अलग अलग दिशा में गिर रहे हैं। ये आदमी जिस जगह पे गिर रहा है उसके कुछ दूर पर एक लड़की भी खड़ी है, लेकिन जैसे ही आदमी नीचे गिरता है अचानक से ये लड़की इतनी पास कैसे आ गई? इस सीन में इस लड़की को तो बिल्कुल पास दिखाया जा रहा है, जबकि इसके पहले तो दूर थी। रितेश जब इस आदमी को उठाकर फेंकने वाले होते हैं तो पीछे एक आइसक्रीम की गाड़ी दिखाई दे रही है, जिसके सामने दो तीन लड़के खड़े हैं। और जैसे ही रितेश उस आदमी को उठाकर फेंकते हैं, पीछे से आइसक्रीम की गाड़ी के सामने जो लड़के खड़े थे अचानक से गायब हो गए। और इसी सीन में देख सकते हैं कि रितेश के पीछे एक आदमी खड़ा है, लेकिन अगले ही सीन में अचानक से वो आदमी भी गायब हो जाता है। और यार इस टेबल पे पटकने के बाद इतना धूल क्यों निकल रहा है? इतनी गंदगी तो टेबल पे नहीं हो सकती, क्योंकि यार इस टेबल पे तो सब्जियां और फल रखी हुई थी। जब रितेश की माँ रितेश को मार रही होती है तो एक साइड में स्कूटी खड़ी हुई है और स्कूटी के साइड में एक औरत खड़ी है, औरत के साइड में एक आदमी खड़ा है। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है अचानक से एक आदमी वहां से गायब हो गया। ये औरत भी स्कूटी के बिल्कुल पास में खड़ी थी, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है अचानक से ये औरत भी थोड़ी सी पीछे चली जाती है। अब यार इसमें एक बिल्ली को दिखाया गया है, लेकिन आपको कहीं से भी देखकर लग रहा है कि ये ओरिजिनल बिल्ली है? भाई ये तो पहले ही सीन में देखने पता चल जा रहा है कि ये बिल्ली तो काल्पनिक है। रितेश इस आदमी को उठाकर एक पेड़ पर फेंकते हैं और पेड़ से इतना ज्यादा धुआं कैसे निकल रहा है यार? इसे देखकर तो धुआं ही लग रहा है, गंदा तो लग नहीं रहा, क्योंकि व्हाइट कलर में तो धुआं ही हो सकता है, पेड़ से तो इस प्रकार से धुआं निकल नहीं सकती। रितेश जब इस आदमी को उठाकर फेंकते हैं तो इनके साइड में देख सकते हैं काफी सारे आदमी खड़े हैं, इनको जरा ध्यान से देख लीजिए। और जैसे ही ये आदमी पेड़ से टकराता है अचानक से साइड में सारे आदमी चेंज हो जाते हैं। ये कैसे हो गया यार? मात्र एक दो सेकंड के अंदर सारे के सारे आदमी ही चेंज हो गए। ये आदमी पेड़ से टकराने के बाद देख सकते हैं नीचे ही गिर रहा है, यानी ये आदमी पेड़ के पास में ही गिरेगा। लेकिन जब इस आदमी को दिखाया जाता है तो इसके आसपास कहीं पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है यार। अब यार ये पेड़ अचानक से गायब कहाँ हो गया? रितेश इन दोनों आदमियों को मारते हैं और ये दोनों आदमी हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इस आदमी पे जूम करते हैं, इस आदमी ने एक बेल्ट पहन रखा है, लेकिन ये दूसरा बेल्ट किस लिए लगा हुआ है यार? अब भाई आप कमेंट करके मुझे बताओ कि ये बेल्ट किस लिए लगा हुआ है। अगर आप हमारी वीडियो बहुत पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये बेल्ट किस लिए लगा होगा। रितेश उड़कर इस आदमी को मारते हैं, लेकिन रितेश का पैर इस आदमी के शरीर से टच ही नहीं होता है, फिर इसको चोट कैसे लग गई यार?